सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं कल सुबह सो गया 4 बजे के लमसम, 4 साढ़े 4 बजे सोया क्योंकि मैं एडिट कर रहा था। उसके बाद मैंने उसको ट्रांसफ़र पे लगाया वीडियो को, जो कि आपने शायद तक देख लिया होगा। नहीं देखा है तो लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, अदरवाइज़ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उस चीज़ का लिंक मिल जाएगा वीडियो का, तो वो देख लीजिएगा। अभी मेरे को रेडी होना है, उसके बाद हम जाएंगे कालीघाटा। यहाँ पे बहुत ही प्यारा द्वारका के अंदर कालीघाटा करके रेस्टोरेंट है जिसकी जलेबी भाई आह बहुत ही टेस्टी। उसके अलावा वहाँ के आलू पराठे ट्राई करो, साउथ इंडियन ट्राई करो, मतलब कुछ भी आप ट्राई करो वहाँ पे। और सबसे फेवरेट मेरा और मेरी मम्मी का सबसे ज़्यादा फेवरेट जो चीज़ है ना, वो वहाँ की नूडल्स हैं भाई, मतलब एपिक लेवल के, और वैल्यू फॉर मनी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना। कभी भी आप द्वारका वाली साइड आओ तो कालीघाटा मस्ट विजिट, इतनी प्यारी जगह है। बाकी हम अभी जाएंगे, आप आपको दिखाऊंगा भी सही खाने का। पता नहीं कौन है, कौन है? अरे ये कौन आ गई भाई, ये 25-30 साल की औरत कौन आ गई मेरे घर में, मेरे सॉरी होटल में? तेरी नई गर्लफ्रेंड है। ओह माय गॉड, ये क्यूटू गर्लफ्रेंड मेरी बेटू। वाह मम्मी हेयर कट लेके आ गई। मम्मी मेरे को बोल के गई थी कि मैं बस आ रही हूँ थोड़ी सी देर में, और आधे घंटे में तो हेयर कट लेके भी आ गई। वाह अम्मा, लग तो जवान रहे हो यार अब आप, गजब यार है ये। अच्छा अच्छा लिया है, अच्छा हेयर कट लिया। अरे इतनी देर क्या यार, मैं थका हुआ हूँ यार, ऐसे क्या करती हो। हेलो लीजिए, मैंने ऑर्डर करा है पनीर का परांठा, अभी आएगा थोड़ी देर में, अभी तो मम्मी का। एंड हेयर कम्स माय पनीर का परांठा, छोले भटूरे पनीर का परांठा, और अभी 2 चाय और मंगाई है मम्मी और मेरी। फाइनली रेडी, टाइम हो रहा है 12:32, हमारी फ्लाइट है 4:15 की। सामान दोनों आ गए हैं, ये रेडी हो गया है। मैंने ये एक ख़रीदा था, ये पहन लिया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो ये पहना हुआ है। तो हम जा रहे हैं यहाँ से, दिल्ली से हम जा रहे हैं लंदन को। लंदन पर हम डायरेक्ट फ्लाइट नहीं लिया है, हमने बीच में हॉल्ट लिया है जो कि है दुबई, और मेरी फेवरेट एयरलाइन से जा रहे हैं जो कि है एमिरेट्स। मेरा बड़ा मन था, और ये फर्स्ट टाइम मेरी इंटरनेशनल ट्रिप है, या फिर फर्स्ट टाइम आप कह लो कि मैं पहली बार प्लेन में बैठूंगा, और मैं भयंकर एक्साइटेड हूँ। आज है 7th of November 2022, और कल जो मैंने व्लॉग डाला था उसके अंदर मैंने गलती से 6th of October बोल दिया, जबकि मुझे बोलना था 6th of November, बट मेरी एक्साइटमेंट इतनी थी कि मैं आपको समझा नहीं पाया, और मैं कुछ भी बोल गया, मुझे ध्यान भी नहीं रहा। बट उसको छोड़ो, वो निकल गया। आज अभी हमें फटाफट जाना है, मम्मी नीचे गई हैं चेकआउट करने के लिए, बाहर हमारी कैब वेटिंग में है। फटाफट से अभी बैग वैग सब रखते हैं, चलते हैं दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट Terminal 3। ओह माय गॉड, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। यहाँ से मैं जाऊँगा दुबई, 4 घंटे की है फ्लाइट, 8 आवर्स का ले ओवर है दुबई के अंदर ही। तो हम मम्मी ने सोचा है कि हम वहाँ पर ही ले ओवर में एयरपोर्ट में ही रुकेंगे, जबकि मैं ले सकता हूँ कि वीज़ा, ट्रांजिट वीज़ा मैं ले सकता हूँ, पर हम नहीं ले रहे। हमने सोचा कि हम एयरपोर्ट पे ही बैठेंगे और वहीं पे इंजॉय करेंगे। पर अभी मैं चलता हूँ फटाफट से, आपको जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊँगा, ठीक है? अभी बहुत ज़्यादा मैं टाइम खा रहा हूँ, फटाफट से चलते हैं नीचे। रेडी इधर आओ, इधर आओ। अरे इंटरनेशनल डिपार्चर का नाम सामने नहीं, आपको इंटरनेशनल डिपार्चर को वो है तो क्या बोर्डिंग पास? हाँ वो बोर्डिंग पास से लेने पड़ेंगे, वो कहाँ कैसे भी जाओगे? बोर्डिंग पास का तो देखना पड़ेगा। एमिरेट्स दुबई 5 months है। बलून हाँ, घबरा क्यों जाती हो? आपके चेहरे पे घबराहट दिखती है, हाँ आप घबराती क्यों? अरे गलची सब नर्वस होते हैं। मैं भी तो फर्स्ट टाइम है यार, मैं तो नहीं हो रहा था।
मेरे से आप हो, मेरे को कोई लोड नहीं ले रहा, मैं अगर पैसा ज़्यादा हो लगेगा भी तो आप दे ही दोगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरी वेटिंग लाइन है इकोनॉमी की, फिर यहाँ से हमें क्या चाहिए आपको अब यहाँ से? हमें क्या परफ्यूम लोग या बात बहुत सही। चलो चलो, हाँ जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनके लिए जन्नत है जगह, नहीं जन्नत है भाई, हर ब्रांड मिलेगा महंगे से महंगा। आप हमको ये स्लीपिंग पिलो भी लेना चाहिए क्या? नहीं, मैंने सुना है एमिरेट्स की सीट्स ऐसा हो जाती हैं, टर्न हो जाती है। ओके देखो छोटा सा प्लेन, मम्मी उड़ जाओ उसमें। ओह अरे ये वो है, अच्छा दिल्ली ड्यूटी फ्री है ये छोटा सा, वाह यार अच्छा है। कैसा लग रहा है? ये बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बहुत ज़्यादा खुश है, तो भाई साहब सपना पूरा हुआ है आज तक। आज तो वो दिन है मेरी लाइफ का जिस दिन मेरे बहुत सारे सपने पूरे हो रहे हैं, और एयरलाइन को इतने पास से देख के ना तो पता नहीं क्यों मेरे को बहुत ही ज़्यादा, मैं एक्साइटेड हो रहा हूँ बहुत ज़्यादा। मेरे को नहीं पता, पता नहीं क्या पता एयरलाइन के अंदर जाके मेरा जी घबरा जाए, उल्टियाँ करने लग जाऊँ, पर जो भी है ठीक है, अभी बहुत मज़ा आ रहा है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं भयंकर खुश हूँ अभी बहुत, मतलब यार ऐसा होता है ना कि आपने बहुत सालों के सपने देखे हैं, बहुत सालों से उड़ने के, और फाइनली जब वो पूरे होते हुए आपकी आंखों के सामने जा रहे, ऐसे दिख रहे होते हैं आपको होते हुए, तो एक एक्साइटमेंट। ओए होए होए, अभी तो मंजिल बहुत दूर है, अभी अपन बता सकते हैं अपन अब कहाँ जा रहे हैं। अभी हम यहाँ से जा रहे हैं दुबई, अभी 3:55 पे हमारा हमें बैठना है फ्लाइट में, और वो हमें कुछ 8 बजे के लमसम इंडिया टाइम पे 8 बजे शाम रात के हमें दुबई पहुंचा देगी। उसके बाद दुबई में हमारा 8 घंटे का लेओवर है, उसके बाद हमारी फ़्लाइट है दुबई से लंदन हीथ्रो के लिए, और लंदन का टेम्परेचर जो है वो है ऑलमोस्ट 10 डिग्री मैक्स, और यहाँ का तो अभी 35 के अराउंड चल रहा है, तो बड़ा मज़ा आने वाला है भाई। और अभी हम सोच रहे हैं ऊपर यहाँ फूड कोर्ट है तो फूड कोर्ट में जाके खाएं, मम्मी ने वैसे मना कर दिया कि महंगा बहुत है। चल नहीं बोला, पैसा कमाता है अब आपका लौंडा। मैंने ये नहीं बोला, आपने यही बोला है। सब पलट जाते हैं, सारी औरतें ऐसी होती हैं पलट जाती हैं, मम्मी भी ऐसी। सबसे पहले तो वेब चेक इन, जिस भी फ्लाइट जिस भी एयरलाइन से आप जा रहे हो उससे वेब चेक इन, फिर चेक इन लाइक आपको 48 आवर्स पहले करना होता है, फिर उसके बाद फिर आपको बस आप अपने पासपोर्ट दिखाओ, कहाँ दिखाएंगे सिक्योरिटी, जब आप आते हैं एंटर करते हैं तब एंट्रेंस पे, फिर आपको बोर्डिंग पास लेना पड़ेगा, वो आपको बता देगा बोर्डिंग पास हाँ। के लिए बोर्डिंग पास के लिए कहाँ से देखा अपन ने पहले, जो वहाँ पे 3 वो लगे हुए थे, 3 स्क्रीन लगी हुई है वहाँ पे, वहाँ पे फ्लाइट पर, और वो एकदम यदि आप सपोज ओवर बिफोर टाइम जा रहे हैं तो आपको पहले देख वेट करना पड़ेगा, आप सोच रहे हैं आई नहीं रही फ्लाइट, तो वो टाइम लेता है बट आ जाता है, बोर्ड पे पता चल जाता है थोड़ी देर बाद, वो चेंज होता रहता है। आपकी एयरलाइन के सामने खड़े हो जाइए और वहाँ से अपना लगेज दे दो, लगेज आपको देना पड़ेगा अपना, इमिग्रेशन के पास जाना पड़ता है, आपके बोर्डिंग पास के ऊपर लिखा रहता है कि आपको वो कौन से गेट नंबर पे जाना है, जैसे हमारा 15B था तो आपके बोर्डिंग पास पे लिखा रहता है, पर उससे पहले आपको इमिग्रेशन जाना है, इमिग्रेशन पे वो आपसे पूछेंगे कि भैया कहाँ है आप, नहीं उसको क्यों जाना है भाई, यहाँ क्यों नहीं खुश हो तुम अपने देश में, क्यों जाना चाहते हो? तो मम्मी ने बहुत अच्छा जवाब दिया था कि मेरा घर है, तो उन्होंने बोला घर है तो फिर आप इंडियन क्यों, कि नहीं मेरा तो कि मेरा वहाँ पे भी घर है यहाँ भी घर है, कि अच्छा अच्छा सिक्योरिटी भी कितना मज़ा आया था।
सिक्योरिटी पे सारे बैग वैग सब सबके अंदर, मतलब बैग के अंदर जितना सब चीज़ें थी सब निकलवा ली बाहर, मेरे जूते उतरवा दिए है ना। फिर उसके बाद चलो वो तो सब हमने ठीक है रख दिया सब निकाल के, वो बकेट्स दे देते दे, उनमें रखना होता है, हमने रख दिया। उसके बाद आया मज़ा जब हमें वो पास करना था सिक्योरिटी का गे जो काउंटर होता है वो, तो येलो लाइन क्या था? तो फिर बोर्डिंग पास तो लिया ना उनने, उनने मेरा तो पहले बोर्डिंग पास लिया कि ये लो आपका बोर्डिंग पास दो, फिर मेरे को वापस बाहर भेजा था येलो लाइन पे, और फिर बोला कि फिर वापस अंदर आओ। मेरे को ये करा तो वो पास के जितने सारे थे ना सिक्योरिटी वाले, वो देख रहा नजर और मैं उनको देख के हंस रहा, मेरे को तो मजा आ रहा था। अरे थ्री थर्टी, एक तो मेरे को आदत नहीं है हिंदी में इंग्लिश में बोलने की, कभी कभी फ्लो फ्लो में हिंदी निकलता है मेरा कि 3:30। मम्मी को मैं बहुत शेम फील कराने वाला हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है। हाँ ठीक है ना, चला जाऊँ मैं यहाँ से, बोलो आप वापस हैं, नहीं बोल दो चला जाऊँगा मैं वापस यहाँ। क्यों, मेरा मन नहीं है फ्लाइट पे जाने का, मैं नहीं जा रहा, मेरे को घर की याद आ रही है। मैं को नहीं चलिए भाई, हमारी बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली है एंड वी आर गोइंग, तो चलो आप भी साथ चलो। ओ मम्मा मम्मा, अंदर जाके रुमाल फेंकना है क्या सीट पे? मेरी सीट, मेरी सीट। ऐसा व्हाट इज दिस, व्हाई यू थ्रो दिस हैंडकरचीफ एंड देयर यू गो। वाओ वाओ वाओ, अभी बहुत अच्छा सीन है। This is our flight, Emirates. ये फ्रंट कैमरा है प्लेन का जैसा यहाँ दिख रहा है, और इसको आप बैक पे कर दो, ये बैक दिखेगा, ये बैक कैमरा है। यहाँ पे माइल्स दिखते हैं, मम्मी से मैं तो बस अभी देख रहा हूँ और मैं सब कुछ सीख भी गया इसके बारे में। बहुत ही जल्दी सीखता हूँ मैं चीज़ें तो यार ये। और हमें मिलता है पिलो, उसके अलावा एक ये शॉल, और ये रहे ईयरफोन्स, बस इसमें रख देते हैं अभी तो। ये मैंने बैग यहाँ रख रखा है, इसको ध्यान से रखना है। अभी बस थोड़ी देर में चार्जिंग पे लगा दूँगा फ़ोन अपना, स्टार्ट होने वाला है और टाइम हो रहा है 4:28। सेकेंड फ्लाइट की तरफ, इंडियन टाइम हो रहा है 8:17।